आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं फ्लूड मैकेनिक्स एंड फ्लूड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पंप के बारे में, पंप क्या होता है, कितने प्रकार के पंप होते हैं, पंप के क्या कार्य होते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो अब केंद्रीय पंप का परिचय हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, पहले भी डिस्कस किए थे कि पंप का कार्य क्या होता है। पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक ऊर्जा मेनली दाब ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम कैसे मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पंप अनेक प्रकार के होते हैं। तो ऐसा पंप जिसमें सेंट्रीफ्यूगल बल या अपकेंद्रीय बल आरोपित करके दाब ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, ऐसा हाइड्रोलिक मशीन है, ऐसा पंप है जिसमें अपकेंद्रीय बल आरोपित करके यांत्रिक ऊर्जा को दाब ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे नीचे आप कॉर्नर पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक रोटेटिंग डिस्क है ना, जो रोटेट कर रहा है। और रोटेट करके क्या कर रहा है, ये जिस फ्लूइड को हमें प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना है उसको रोटेट करता है। तो रोटेट करने से क्या होता है, उस फ्लूइड पे अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, और वो कार्य कर ये रोटेट कर रहा है मतलब इसमें मैकेनिकल एनर्जी है। इस मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर दाब ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये पूरा जो मशीन है वो कहलाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटो डायनेमिक पंप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक रोटेटिंग डिस्क का उपयोग करके ही मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उस रोटेटिंग डिस्क को हम लोग बोलते हैं इम्पेलर, है ना। इसलिए इस मशीन को रोटो डायनेमिक पंप भी कहते हैं, रोटो गति पंप भी बोला जाता है। ठीक है, यह जो पंप है, अब केंद्रीय पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का अपोजिट है, इन्वर्जन है। हमने डिस्कस किया था रिएक्शन टरबाइन, खासकर हमने फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। इसमें रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होता था और बाहर से अंदर की तरफ वाटर फ्लो था। लेकिन इस टरबाइन में क्या होता है, जो रोटेटिंग डिस्क होता है इम्पेलर, उसके अंदर से बाहर की तरफ वाटर का फ्लो होता है और रेडियल डायरेक्शन में होता है, इसलिए जस्ट इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का इन्वर्जन है। यह सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है क्या है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है ना, धनात्मक विस्थापन पंप नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लूइड को स्थापित करके फ्लो नहीं कराया जाता। इसमें क्या करते हैं, प्रेशर एनर्जी के द्वारा फ्लूइड को फ्लो कराया जाता है। ठीक है, यह एक हाई स्पीड पंप भी है, क्योंकि हाई स्पीड से ही प्रेशर एनर्जी क्रिएट किया जाता है, इसलिए इसके शाफ्ट को, इम्पेलर के शाफ्ट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये जो पंप हम लोग हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ करते हैं, साथ ही साथ लो हेड या कम ऊंचाई तक पानी आपको पहचाना है तो उसके लिए इस पंप का उपयोग करते हैं। बेसिकली अब केंद्रीय पंप का यूज़ हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लूइड को सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें कैसे होता है, रोटेटिंग डिस्क होता है जिसको हम इम्पेलर कहते हैं, उसकी सहायता से मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एक्चुअल पिक्चर है और यहाँ पे आपको स्केमेटिक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस अपकेंद्रीय पंप में क्या क्या चीज़ें होती है, इम्पेलर विथ वेन्स होते हैं, ये इम्पेलर है ना। जैसा टरबाइन में रनर होता है वैसा ही पंप में इम्पेलर होता है। ठीक है, ये इम्पेलर होता है,
इसमें वेंस या ब्लेड लगे रहते हैं। इस तरीके से ब्लेड जो रहता है अलग अलग प्रकार से इसमें लगा हो सकता है। दूसरा इसमें मेन पार्ट है केसिंग। ये इम्पेलर के चारों तरफ जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये केसिंग है, जो इम्पेलर को ढका हुआ पार्ट है, केसिंग है ना। दूसरा सक्शन पाइप है। सक्शन पाइप ये नीचे लगा हुआ है, सक्शन पाइप, और इस सक्शन पाइप के नीचे स्ट्रेनर झरनी लगा होता है, फूट वाल्व लगा होता है। इसके अलावा इस पंप में क्या होता है, डिलीवरी पाइप होता है, ये ऊपर है ना, पंप के इंपेलर के सेंटर से ऊपर तरफ एक पाइप जाता है, ये डिलीवरी पाइप है। इसी पाइप में एक डिलीवरी वाल्व भी लगा होता है। तो इस तरीके से ये सभी पार्ट्स हैं अपकेंद्री पंप के। यहाँ पे आप रियल पिक्चर देख सकते हैं, इंपेलर है, ये केसिंग है ना। यहाँ पे आपका ये मोटर से जुड़ा हुआ शाफ्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इनलेट है, इनलेट ऑफ दी पंप है। यहाँ पे ये आउटलेट ऑफ दी पंप है, ठीक है। और ये वाटर के फ्लो को दिखा रहा है, ये रेड एरो जो है ना। अब इसमें डिस्कस करते हैं सबसे पहले इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप या इम्पेलर के बारे में, ठीक है। तो इम्पेलर बेसिकली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक रोटेटिंग पार्ट होता है, घूमने वाला ही भाग होता है, ये घूमता है ना। तो रोटेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नॉन एज इम्पेलर, ठीक है। इम्पेलर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे रियल पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ब्लेड लगे हुए हैं। इसमें ब्लेड जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, बैकवर्ड ब्लेड, मतलब पीछे की तरफ ऐसे कर्व्ड रहता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो लगा हुआ है इम्पेलर है, और ये इस तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा, तो ये पीछे की तरफ कर्व है इसके रोटेशन के डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये बैकवर्ड इसमें ब्लेड लगे होते हैं और ये रोटेटिंग पार्ट होता है। और ये जो इम्पेलर है ये एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, और ये शाफ्ट किससे कनेक्ट रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर से, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से इस इम्पेलर को रोटेट किया जाता है, ठीक है। और ये जो इम्पेलर है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सहायता से ही वाटर या किसी भी फ्लूइड में क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है ना। और ये प्राइमरी सोर्स है पंपिंग एक्शन में, जब आप वाटर को फ्लो करा रहे हो या फ्लूइड को फ्लो करा रहे हो, तो इम्पेलर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं दूसरा जो है वो है केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। केसिंग के बारे में, आवरण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इम्पेलर के चारों तरफ एक पैसेज या होता है टाइट पैसेज, इस एयर टाइट पैसेज होता है ना, जो इम्पेलर को ढका हुआ रहता है, ठीक है। ये इसका डिज़ाइन इस तरीके से रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि ये क्या करता है, जो इम्पेलर के द्वारा फ्लूइड को हाई वेलोसिटी से फ्लो कराया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर से, उस हाई काइनेटिक एनर्जी वाले फ्लूइड के काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है ये केसिंग। तो इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि ये क्या कर सके, फ्लूइड के काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि इसका इनलेट पे जो डायमीटर होता है कम होता है, और आउटलेट पे जाते जाते इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली केसिंग क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसके आउटलेट पे क्या कनेक्ट रहता है, ये डिलीवरी पाइप को कनेक्ट किया जाता है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है, ठीक है। बेसिकली तीन टाइप के केसिंग हम लोग यूज़ करते हैं, वॉल्यूट केसिंग, वर्टेक्स केसिंग और केसिंग विद गाइड ब्लेड्स, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये केसिंग है ना, इम्पेलर के चारों तरफ लगा होता है, ये केसिंग लगा हुआ है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सक्शन पाइप विद फूट वाल्व एंड स्ट्रेनर के बारे में, है ना। सक्शन नली क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो एक पाइप होता है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट को किससे कनेक्ट करता है, सम्प को कनेक्ट करता है। सम्प मतलब जहाँ पे फ्लूइड या वाटर स्टोर है और वहाँ से हमें पानी को सप्लाई करना है ना, तो उसको हम लोग सम्प कहते। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट को और को सम्प से कनेक्ट करने वाला जो पाइप होता है वो क्या कहलाता है, सक्शन पाइप कहलाता है। इसका एक सिरा किससे कनेक्ट रहेगा, इस पाइप का ये देख सकते हैं, ये पाइप का एक सिरा कनेक्ट रहेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट से, और दूसरा सिरा सम्प या स्टोरेज में डूबा रहता है जहाँ से हमें सप्लाई करना है। इसके जो सिरा आपका सम्प में डूबा हुआ है
उसमें क्या लगा रहता है, एक फुट वाल्व लगा रहता है, ये फुट वाल्व आपको दिख रहा है, ये अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है फुट वाल्व में, ये क्या रहता है, वन नॉन रिटर्न वाल्व रहता है। नॉन रिटर्न मतलब ये आगे की तरफ ऊपर की तरफ फ्लूइड जो है फ्लो होगा, लेकिन पीछे की तरफ ये फ्लो नहीं हो सकता है। तो वन वे वाल्व भी होता है, एक तरफ से ही इस वाल्व में फ्लो हो सकता है फ्लूइड का, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फ्लूइड का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वन वे वाल्व होता है, या नॉन रिटर्न वाल्व भी इसको बोलते हैं, फुट वाल्व। ये पाइप के दूसरे हिस्से पे लगा रहता है, और इसी वाल्व के नीचे में झरनी लगा रहता है, स्ट्रेनर लगा रहता है, ताकि इसमें कचरा या कोई भी अदर जो फ्लूइड में रहता है पार्टिकल, वो अंदर ना जा सके। कचरा हो गया, पत्थर हो गया, या कुछ लकड़ी के पार्ट हो गए, ये सब कचरा अंदर जाने से स्ट्रेनर रोकता है, ठीक है। तो ये पूरा सक्शन पाइप का पार्ट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिलीवरी पाइप, वितरण पाइप। वितरण पाइप क्या रहता है, जो केसिंग है या सेंट्रीफ्यूगल का आउटलेट है, उसको कहाँ से जोड़ता है, ये उस पॉइंट को जोड़ता है जहाँ तक हमें पानी को या वाटर को या किसी भी फ्लूड को फ्लो कराना है ना, रिक्वायर्ड हाइट तक या निश्चित ऊंचाई तक जहाँ तक हमें वाटर फ्लो कराना है, उस पॉइंट को सेंट्रीफ्यूगल पंप के आउटलेट से जोड़ता है, ये पाइप कहलाता है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप के में ही एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ से वाटर या फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये वाल्व भी इसमें लगा रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये सभी पार्ट्स लगे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। अब केंद्रीय पंप का कार्य सिद्धांत क्या है, कैसे ये कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बेसिकली अब केंद्रीय पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, वो प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ऑफ वर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब वर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत क्या होता है, जब किसी द्रव्यमान को, है ना, क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रोटेट किया जाता है, एक्सटर्नल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रोटेट करते हैं, या एक्सटर्नल टॉर्क दे के रोटेट किया जाता है, तो क्या होता है, उसके प्रेशर एनर्जी में बढ़ोतरी होती है ना। ये वर्टेक्स फ्लो का सिद्धांत है, ठीक है। वर्टेक्स फ्लो क्या है, जब किसी द्रव्यमान को एक बिंदु के सापेक्ष, एक केंद्र बिंदु के सापेक्ष एक वृत्तीय मार्ग पे क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। रोटेट किया जाता है मतलब एक्सटर्नल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे के रोटेट करते हैं, तो उसके प्रेशर हेड या प्रेशर एनर्जी में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर एनर्जी बढ़ोतरी हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है ना, जो पार्टिकल या फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे रोटेट कर रही है उसके लीनियर वेलोसिटी पे, लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये प्रेशर हेड बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन 2g। वी वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका प्रेशर हेड भी बढ़ेगा, ठीक है। अब ये वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है या टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये डब्ल्यू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, आर क्या है, रेडियस है, वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू आर। तो बेसिकली जो दाब ऊर्जा में, दाब शीर्ष में बढ़ोतरी हो रहा है, किस पे डिपेंड करता है, इस घूम रहे पार्टिकल के रेडियस पे। तो ये जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका प्रेशर हेड का मान बढ़ेगा, है ना। तो आउटर पार्ट में, ये रोटेटिंग डिस्क के आउटर पार्ट में ही क्या होता है, प्रेशर हेड ज़्यादा होता है। इसलिए क्या करते हैं, आउटर रेडियस पे ही केसिंग का जो केसिंग होता है, केसिंग का जो आउटलेट होता है आउटर रेडियस पे होता है, जहाँ पे प्रेशर हेड ज़्यादा होता है। और इसी हाई प्रेशर हेड के कारण या दाब शीर्ष के कारण क्या होता है, लिक्विड एक निश्चित ऊंचाई तक या ऊंचाई तक फ्लो हो पाती है, ठीक है। तो ये इस सिद्धांत पर पूरा कार्य करता है, ठीक है। अब ये पंप जो है पानी को या किसी भी फ्लूइड को फ्लो कैसे करता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल देखिए, यहाँ पे एक रोटेटिंग डिस्क होता है, रोटेटिंग डिस्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पेलर। इम्पेलर को एक शाफ्ट से जोड़ा जाता है, और शाफ्ट किससे कनेक्ट रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर। जब इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करते हैं तो इम्पेलर भी उसके साथ घूमने लगता है। इम्पेलर जब घूमता है
ना, तो ये रोटेटिंग डिस्क है, यहाँ से जो सक्शन पाइप है वहाँ से फ्लूइड को सक करता है। तो सक कैसे होता है, ये जब रोटेट करता है तो इसके केंद्र बिंदु पे क्या होता है, निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है या वैक्यूम प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है, जिसके कारण यहाँ से फ्लूइड को ये क्या कर पाता है, सक कर पाता है। यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है इसके केंद्र बिंदु पे, इम्पेलर के केंद्र बिंदु पे रोटेट करने के कारण क्या होता है, निगेटिव प्रेशर होता है या वैक्यूम हो जाता है, जिसके कारण सक्शन पाइप से फ्लूइड को ये सक करता है। अब सक करने के बाद क्या होता है, ये जो फ्लूइड है इम्पेलर के साथ रोटेट करने लगता है उसके ब्लेड के साथ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये आउटर या इसके चारों तरफ ये घूमने लगता है ना। अब ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होता है, इसके रेडियस पे या आउटर रेडियस पे क्या होगा, प्रेशर हेड का मान बढ़ जाता है। ये जो काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दाब ऊर्जा में, किसकी सहायता से, ये केसिंग की सहायता से। तो केसिंग की सहायता से क्या करते हैं, जो फ्लूइड घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और आउटर रेडियस पे इसका आउटलेट रहता है, क्योंकि आउटर रेडियस पे ही दाब ऊर्जा अधिक होता है, और अधिक दाब से ही इस ऊर्जा अधिक दाब के कारण क्या होता है, ये फ्लूइड जो है डिलीवरी पाइप की सहायता से एक ऊंचाई तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से केसिंग की सहायता से काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके फ्लूइड को डिलीवरी पाइप की सहायता से एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, इससे वाटर का फ्लो इसमें होता है। ठीक है, आई होप कि ये वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि ये कम जगह जो है लेता है, बहुत छोटा रहता है साइज़ में, तो इसके लिए कम जगह की ज़रूरत रहती है। इसमें रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम रहता है, इसको इंस्टॉल करना आसान है और सस्ता भी है ना, और इसमें बहुत हाई डिस्चार्ज आपको हमें प्राप्त होता है पंप से, है ना, हाई डिस्चार्ज या वाटर अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, ये एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो पहली बात तो ये कि इसमें प्राइमिंग की ज़रूरत होती है। प्राइमिंग क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्राइमिंग इम्पॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, जो प्राइमिंग की ज़रूरत होती है। ये लो हेड पंप है, मतलब कम ऊंचाई तक पानी पहुंचाते हैं, अधिक ऊंचाई तक पानी नहीं पहुंचा सकते, और इसमें जो हाई विस्कस लिक्विड है या ऐसे लिक्विड या द्रव जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, श्यान ज़्यादा है, उसमें हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते या अच्छे से यूज़ नहीं करता है ये। ठीक है, अब केंद्रीय पंप का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, शहरों को या गांवों को वाटर सप्लाई करना है ना, सिंचाई के लिए इसका यूज़ करते हैं, सीवेज प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है वाटर या फ्लूड को पंप करने के लिए, वाटर को बॉयलर में सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और माइन में आप जाएंगे तो वहाँ पे वाटर के लिए ड्रेनेज सिस्टम का भी काम अब केंद्रीय पंप से किया जाता है। ठीक है, आई होप इस लेक्चर में आपको सेंट्रीप्यूगल पंप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।